इंदौर में खाद्य विभाग को खोपरा बुरादा कंपनी के मालिक द्वारा शिकायत करने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें लाखों रुपए का खोपरे का बुरादा जब्त कर कॉपीराइट का मामला दर्ज किया। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से खोपरे के बुरादे की फैक्ट्री संचालित करने वाले खंडेलवाल नामक सियागंज व्यापारी के यहाँ पर खाद्य विभाग सहित पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें खंडेलवाल के गोडाउन से कई क्विंटल खोपरे का बुरादा मिला है, जिसमें खाद्य विभाग को मिलावट भी सामने आई है। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने गोडाउन को सील लगाकर बंद कर दिया है। वहीं फरियादी की शिकायत पर द्वारकापुरी थाने पर कॉपीराइट का मामला दर्ज कराया गया है।